मकसद जो है इस नमाज से जो हासिल करना है नमाज़ पढ़ने के साथ में, वो असल मकसद है हमारा, उसको नेकी कहा जाएगा। तो कि अगर सिर्फ यही होता तो अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया सूरह ताह नंबर 20 आयत नंबर 14 में फरमाया कि मूसा अलैहि सलाम के मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम करो। अब ये है कि उसकी याद है उस नमाज के अंदर तो फिर वो नमाज है, नहीं तो फिर नमाज ही नहीं। आप आकर खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसके अंदर ऊपर नीचे झुक रहे हैं, जैसे इमाम साहब झुके तो आप भी झुक गए, लेकिन उसकी याद नहीं अल्लाह की तो फिर वो नमाज भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने इसकी बताया कि जिक्र के लिए नमाज को कायम करो, तो असल मकसद है अल्लाह की याद नमाज के अंदर। तो फिर हम देखें कि हम सिर्फ इस पर लगे हुए हों कि सिर्फ किबला दुरुस्त करो, पैर सही जमा के रखो, सामने रुख होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक्शन पर हम पूरा लगे रहें, और उसके अंदर नहीं हो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की याद है कि नहीं, उसका तसव्वुर है कि नहीं, कि सिर्फ इसलिए आ गए कि तुम कि भाई पीरियड लग गया। स्कूल में जैसे होता है ना, बच्चे अटेंशन हो जाते हैं, जैसे एक टीचर गया दूसरी घंटी बजी पीरियड, सब तैयार होकर मुस्तैदी सीधे बैठ जाते हैं कि नहीं अब जो है दूसरा टीचर आने वाला, और ये बड़ा डेंजर है इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का। तो हम इसलिए तो नहीं कि बस अजान हुई पीरियड का टाइम आया और हम अटेंड हो गए, काम हम छोड़ा नमाज पढ़ के आ गए फिर वापस। तो उस बैठने का उस स्कूल के अंदर सिर्फ वो पीरियड की घंटी लगने से वो टीचर से डर के बैठ के खड़े हो गए वहाँ पर, उससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? असल वो टीचर ने क्या समझाया वो समझेंगे, एग्ज़ाम आएगा उसको देंगे, पास होंगे तो पास होंगे। सिर्फ वो अटेंड कर लेना उस पीरियड को, वो टीचर से डर जाना तो क्या पास हो जाएगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर जो समझाएगा उसको समझेगा, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम आएगी उसको देगा एग्ज़ाम, तो फिर पास होगा। तो वही अल्लाह ने जब हमको बुलाया तो सिर्फ ये नहीं कि हम डर के पहुंच गए, डर तो है अपनी जगह, लेकिन हम वहाँ जाकर खड़े हों उसकी याद के अंदर, और उसको कि इनने क्या क्या चीज़ें हमको फरमाई, क्या क्या हमको ये करना है। नमाज को हमको जो बताया मकसद, के नमाज का मकसद क्या है कि ये तुम्हारे लिए फेश और बुराई को रोक देगी। तो अगर हम वहाँ खड़े हुए और फिर उसके बाद नमाज के बाहर निकले और वही हमारी बाहर वापस हुई फेश और बुराई चल रही है, बाहर निकलते से ही उसकी बुराई कर रहे हैं, नहीं तो लोग कहे अरे वो नहीं दिखा आज लंगड़ा, वो नमाज में आया नहीं, दिखा नहीं, अब ये आपने कह दिया उसके सामने, कहते बुरा लगता उस, तो ये आपने, तो ये चीज़ें आपके अंदर से नहीं निकली तो फिर नमाज का मकसद आपने नहीं पाया। क्योंकि एक मकसद के लिए नमाज है, ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयाँ उससे निकल जाए, तो उसके लिए ये है। तो सिर्फ एक्शन पर हम करें तो पहले तो ये होना चाहिए कि नमाज की रूह तक पहुँचे कि नहीं हम, ये सब चीज़ें उसके जो एक्शंस है वो सब बात की चीज़ें, पहले तो उसकी रूह तक पहुँचे कि नहीं, जहन अल्लाह की तरफ था कि नहीं, और एक जैसा अगर एक जैसा करते हैं उसके बाद में सारे मिलके लोग, तो ये भी अच्छी बात है कि अब जब तुमने रूह को भी पा लिया, नमाज को भी पा लिया, उसके मकसद को भी समझ लिया, तो फिर अब ये भी होना चाहिए कि तुम एक जैसे नमाज पढ़ो, लेकिन ये बात की चीज़ है। तो ये है। और दूसरी चीज़ कि हम फिर उसी पर लग जाएँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, दिख गया देखो जाहिरी तौर से दिख रहा सुन्नत, ऐसा ऐसा लिबास पहन लिया सुन्नत, ऐसी ऐसी शक्ल रख ली है सुन्नत, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ें नहीं देखता अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस से फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे लिबास को, तुम्हारे माल को नहीं देखता, वो देखता है तुम्हारे अंदर तकवा खशियत कितनी है, अल्लाह की याद कितनी है। तुम उसके सामने खड़े हुए तो दुनिया से कट के खड़े हो के नहीं, तो वो अल्लाह देखता है उसको, एक्शन से तुम्हारे जाहिरी उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। जाहिर ये तो बहुत सारे लोग हैं, अहले बिदत लोग हैं, कितने सारे हैं, वो उनके पास में हमारे सच्चे जुब्बे खुब्बे और पूरे साफ लिबास है, चेहरा उनका मोहरा बिल्कुल सुन्नत सब है, लेकिन अगर अंदर तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, अकीदा नहीं है, तो फिर वो बेकार है। तो असल वो है कि हम उसके लिए